फ्रेंड वेलकम। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल नोन है और अपोजिट साइड पे जो इंटीरियर एंगल है इनमें से एक अननोन है। तो बाह्य कोण वाली आपकी प्रमेय लगेगी। सो हमें पता है प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड पे है इस एक्सटीरियर एंगल के, वो और ये एक्सटीरियर एंगल दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाह्य कोण प्रमेय से है ना, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 120 माइनस 50, डेट इज 70 डिग्री। ओके, एक्स आ गया कितना? 70 डिग्री। सो नाउ एक्स नोन हो गया है, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमको ये तीन इंटीरियर एंगल में से, तीन अंत्य कोणों में से टू नोन हो चुके हैं। एक तो एक्स नोन हो गया, 50 डिग्री नोन है, एक्स पता है, 50 डिग्री पता है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, अंतः कोण प्रमेय भी बोल सकते हैं। नाउ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्स प्लस 50 प्लस वाई तीनों का समय 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 70 प्लस 50 120, वाई की वैल्यू निकालनी है, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने x और y दोनों एंगल निकाल लिए। एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हेल्प से निकला, बाह्य कोण प्रमेय से निकला, और y इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अंतः कोण प्रमेय से निकला। ओके, नाउ यहाँ देखिए ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो एंगल y है ना, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो y की वैल्यू इसके अपोजिट है ना, ये देखो ये वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, इसके अपोजिट साइड में बनने वाला जो एंगल दिया हुआ है ना आपके, तो इसकी इक्वल है, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, ठीक है। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, तो वाई की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। ओके, नाउ y नोन हो गया है, 50 डिग्री नोन है, पता है दोनों एंगल, थर्ड एंगल निकालना है। ये ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है। x निकालना है, y की वैल्यू पता है, 80 डिग्री पुट कर दी इस वाले है ना आंसर से, 50 डिग्री दोनों का सम 130, ट्रांसपोज किया, पक्षांतरित किया, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो नाउ सी पार्ट था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सबसे पहले बाह्य कोण प्रमेय से, इन दोनों का सम इस एक्स के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 110। नाउ अब ये वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई प्लस 50 प्लस 60 तीनों इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180, वाई प्लस 50 प्लस 60, वाई की वैल्यू आ गई 180 माइनस इन दोनों का सम आया था 110, ट्रांसपोज करने पे, पक्षांतरित करने पे माइनस का 110 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। नाउ x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ इस वाले वर्टेक्स है, इस वाले शीर्ष पे, तो ये जो एंगल है ना, ये दोनों ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इनकी वैल्यू इक्वल होती है, वर्टिकल एंगल की वैल्यू इक्वल। ओके, सो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई? 60 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल थ्योरम से देखो, दो एंगल नोन हो चुके हैं, पता लग गए हैं आपको ये दोनों एंगल, थर्ड निकालना है, इन तीनों का समय एक्स प्लस वाई प्लस 30 का समय 180। यहाँ आपको कौन कौन से एंगल पता है? एक्स पता है, 30 डिग्री तो वैल्यू में ही लिखा हुआ था, दोनों का समय आया 90, वाई की वैल्यू निकालनी है, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो वाई कितना आ गया? 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट x और y की वैल्यू निकालनी है, ये देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण। तो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब y नोन है, ये दो इक्वल एंगल निकाल सकते हैं, ये 1 और 1 इनका कोफिशियंट, इनका गुणांक जोड़ गया, तो 2 टाइम x प्लस y इक्वल्स टू 180, y की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी, 2x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90, यानी 90 2x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 2 मीन्स 45, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 और ये 90 का, तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है आपको, ये एक्स और ये एक्स, तीनों एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, और ये कि वाई, ये तीनों एंगल आपको निकालने, किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, बट ये दो आप देख रहे हैं एंगल दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने पे बन रहे हैं, एक लाइन तो ये रही
एक लाइन ये रही, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ये भी ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्योंकि दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, ये दोनों भी दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये वन भी एक्स के बराबर होगा, वन की वैल्यू बिल्कुल एक्स के वैल्यू के इक्वल होगी, टू की वैल्यू भी एक्स के इक्वल होगी और वाई की वैल्यू भी एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तीनों इंटीरियर एंगल वेरिएबल की टर्म में ही है ना पता लगे हैं, लेकिन पता लग गया कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, है ना। तो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम एक्स की वैल्यू है 180, तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 3 यानी 60, तो ये भी 60 डिग्री 60 60 60 60 60 ठीक है। देखो ये वाई था, वाई किसके इक्वल था, एक्स के, तो वाई की वैल्यू भी 60 है और ये तीनों जो एक्स हैं इनकी वैल्यू भी 60 है, वाई क्योंकि देखो वन को भी हमने एक्स बोला था, टू को भी एक्स बोला क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल थे, तो ये तीनों 60 60 60 और ये वाला जो वाई है वो कितना आ गया, वो भी 60 डिग्री।